का सबका आइडिया भी सेम ही है कि जो भी काम लोग रियल लाइफ में कर रहे हैं हम वो इंटरनेट पे कर देते हैं. कि आप रियल लाइफ में राशन खरीदते हो, जरूरत नहीं, getmyration.com वहीं राशन आ गया, खा लो आराम से. आप रियल लाइफ में टॉयलेट जाते हो, जरूरत नहीं, ऐप है उसके लिए, बटन दबाओ घर ग्लास लेके आएंगे, उसे मुंह दो आप, वो बाद में बेच देंगे उसको. कुछ लोग प्रसाद देते हैं ऑनलाइन, प्रसाद आप बस माता सेलेक्ट करो, ठीक है, वो आपके लिए वैष्णो देवी जाएंगे और वहां सब करेंगे, जोर से बोल लो, और मैं नहीं सुनिया. यार आप रो जाते हो, आप में बहुत श्रद्धा है, श्रद्धा नहीं, क्लाइंट्स बहुत हैं हमारे, ठीक है, प्रसाद उनको मिलता, आशीर्वाद तो हमें मिल रहा सारा. और उसके बाद एक फाइनल हादसा हो गया जिसके बाद तो रिश्तों में ऐसी कड़वाहट आई है कि आज तक उभर नहीं पाया उससे. लाइक मैं 8th में था और सुबह मेरा दोस्त मेरे घर आया और उसने मुझे आके पौन दी, कहता देख ले. मैं कहा ठीक है. तो नहीं, मेरा मन भी था ये नहीं कि चल तेरे लिए देखूंगा आज मैं, यार सिर्फ तेरे लिए, बहुत मन था, ज्यादा ही था कुछ. तो बचपन में घर वालों के घर में पौन देखता था तो उनको नहीं पसंद ये सब, हाँ मेरा देखना नहीं पसंद, खुद पसंद होगा तभी मैं आया हूं ना. तो मैं घर ऐसे पौन देखता था, पौन लगा के ऐसे पूरी फुल स्क्रीन भी नहीं किया, इतना विंडो खोल के बस, वो क्रॉस होता है ना विंडो क्लोज करने वाला, उसके ऊपर माउस पॉइंटर रख के यहाँ किताब खोल के ऐसे सेक्स देख रहे हैं. पापा क्या अभिषेक पढ़ रहा था वो पैर से करते ताकि वो ना हो ना थोड़ा. ऐसे मजा आता है ना पोर्न देखने में कि आप देख सेक्स रहे हो और सारा ध्यान आपके पापा के टकले पे. तुम्हें क्या सोचता रहता पोर्न देखते देखते. तो मैं मौके की तलाश में था और मौका मिल गया, मेरे घर में गेस्ट आ गए. मैंने कहा ये पापा वहां बिजी होंगे, लड़ेंगे वहां जाके बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, और मैं यहां इन सब चीजों से ऊपर उठ चुका हूं. तो बस फिर पापा वहां गए, हमें तकिया पीछे फुल स्क्रीन लेट के मैसेज सजा लिया अपने. मैं कहा हाँ थैंक यू गॉड, थैंक यू तमेव माता पिता तमेव, सब सही चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है. तभी मेरे डैड आने लग गए रूम में किसी काम से, और मैं पता नहीं कौन सी फील में था, मैं भूल ही गया कि ये सब छुपाना होता है. अंदर आ गए, देख लिया. तो 5 सेकंड तक तो हम दोनों ने देखी, क्योंकि आई थिंक वो भूल गए कि डांटना होता है. अरे HD क्वालिटी कहां से मिली है? देन रियलाइज क्या हुआ, तो मैं गुस्सा आया, अरे क्या ये, मैं कहा ये ब्लो जॉब. कह क्या है ये सब. मैं कहा विद कॉन्टेक्स्ट, बुरी बात है, काफी बुरी बात है, अब कुछ तो ड्रामा करना पड़ेगा ना, ये थोड़ी हाँ पौन देख रहा हूं, काम करो अपना, ये तो कोई ऑप्शन नहीं था, आज भी नहीं है, होगा भी नहीं कभी, मुझे लग रहा है. तो मैंने क्या किया, मैंने घटिया एक्टिंग शुरू कर दी. मैं कहा 14 साल के हैं, 40 साल के आदमी को एक्टिंग करके बेवकूफ बना लेंगे, इनको क्या ही पता है.
तो मैंने सीडी निकाली, मैं कहा आयुष तो बोल रहा था कि कोई एक्शन मूवी देगा, इसमें तो एक भी फाइटिंग सीन नहीं था, सारे गंदे गंदे सीन थे। कर अच्छा किसने दिए? मैं कहा आयुष ने। कर आयुष को बोलो उसके पेंट से बात करने आ रहे हैं हम लोग अभी, अभी उसके घर जा रहे हैं और तुम भी चलो तैयार हो चलो। मैंने आयुष को फोन किया, वो वहां पे एक्साइटेड है, कह रहा भाई कैसी लगी आगे स्वाद? मैं कहा बहुत ही बढ़िया थी, पापा को पसंद आ गई है और तेरे पेंट्स को रिव्यूज देने आ रहे हैं अभी। बोलो लगे नहीं भाई अभिषेक भाई नहीं, अपने बाप को रोक, अपने बाप को रोक, मैं तेरा कुत्ता बनूंगा जिंदगी भर, मैं तेरा जिंदगी भर कुत्ता बनूंगा भाई, तू मेरे साथ जो मर्जी कर ले भाई, तू प्लीज यार तू मेरे मुंह में रोज मूत लियो। मैं कहा मुझे नहीं मूतना तेरे मुंह में यार, करे प्लीज यार एक ड्रॉप। मैं कहा नहीं यार, तू बहुत गलत टाइप की पॉन देख रहा आजकल। अच्छा मैं देखता हूँ क्या था, मेरे दोस्त भी ले गया था, अब बड़ी अजीब बातें करके ले गया, कहता लोर से चलना, मैं कहा मुझे जाना, कह रहा चलना, मैं क्यों, कह रहा यार यही बातें तो बाद में याद आएंगी। मैं कहा मतलब, कह रहा क्या हरकतें करते थे फिक्र नहीं करते थे, यही बातें बाद में यादें बनती हैं, आ जा आ जा आ जा आ जा। ये ऐसा आदमी है जो प्रेजेंट में नॉस्टैल्जिया में जी रहा है, आप समझ रहे, ये यादें बना रहा है उनको जीते टाइम ही। मैं बस लंच करने गया था, चाइनीज खाने गए थे, वहां से निकल रहे हैं, कह रहा ओए याद है जब चाइनीज, मैं चबा रहा हूं मैं अभी यार, पेट तक तो पहुंचते खाने को। तो ये ना फालतू की फील्म रहता है, क्या करता है ये दोस्तों के यहाँ बैठ के वो चीज़ें एड्रेस करता है जो एड्रेस करने की जरूरत भी नहीं है। फालतू में जैसे चार दोस्त बैठे हैं, किसी ने जोक मार दिया, सब हंस दिए, ये दोस्ती के पल, मैं चबे यार मैं जीने दे पलों को पहले तो यार, पल के बीच में तू बोलता रहता है, बाद में जब पल याद करते हैं तेरी आवाज़ आती रहती है उसमें। सच में ऐसे में गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया, सेम हरकतें थी, वी ब्रोक अप but it was mutually decided that I don't deserve her. It was very clear right from the start. ladai hone lagi thi na, kitni ladai karoge aap, ek ladai kitni baar karoge? jaise hum ek baar saath mein baithe hue the and she's like oye koi moment bana, matlab ke relationships mein moments hote hain na, main kaha hote hain kai to bana phir। मैंने कहा कि अभी तो गाड़ी चला रहा हूँ, इस टाइम कहाँ से मोमेंट बनाऊँ? क्या यही तेरी प्रॉब्लम है कि तू गाड़ी चलाते टाइम कुछ बोल ही नहीं रहा, अब क्योंकि तू कुछ बोल नहीं रहा ये ड्राइव मुझे बाद में याद ही नहीं रहेगी। गॉड कैन नॉट सेइंग एनीथिंग, देयर इज नथिंग मेमोरेबल अबाउट दिस ड्राइव टू रिमेंबर लेटर। तो मैंने खंभे में गाड़ी ठोक दी। कहा पक्का याद रहेगी हमें? याद है वो पल जब छाती में स्टेरिंग घुस गया था। Okay, recently one of my friends came up to me and he criticized me, right? But he criticized me for something that I have never been criticized for in my entire life. He said and I quote, यार वैसे तो बंदा बड़ा प्यारा है पर यार तेरे मसूड़े बड़े गंदे हैं। Exactly. It took a little time for me to register this completely. मैं कहा हाँ यार I have to work on it. एक मसूड़े? मसूड़े होते किसके अच्छे? मसूड़े कोई elegant body part नहीं है। Like you never see guys talking about girls. भाई बंदी क्या मसूड़े थे यार? ये बंदी का ये वाला पार्ट इतना सुंदर है ना, ये वाला मजा ही आता देख। अब मैं लाइफ में बताता हूँ कुछ यार, आज से 5 साल पहले मेरी लाइफ में बहुत ही डार्क टाइम चल रहा था। वो 5 साल पहले मैं
क्राइम पेट्रोल में बहुत घुस गया था। मैं सारा दिन क्राइम पेट्रोल देखते रहता था। ऑफिस से छुट्टी लेके ऐसे कॉपी लेके नोट्स बनाता था देखते टाइम कि अनूप सोनी बोल क्या रहा है आखिर यार ये। अच्छा हमें सतर्क रहना है, हमारी गलती है मतलब सारी। क्राइम पेट्रोल ना सॉल्ड केसेस दिखाते हैं, सॉल्ड केस। ये जो आपको मर्डर दिखा रहे हैं जब आप देख रहे हो एपिसोड, उस टाइम वो सजा काट रहा है जेल में, वो सजा काट रहा है, वो जेल की कैंटीन में बैठ के अपना ही एपिसोड दिख रहा। अच्छा मैं दिखा रहे हैं आज, हाँ ऐसे ही मारा था, ऐसे ही मारा था। यही बातें तो बाद में याद आती हैं। But that's clear. बंद कर दिया मैंने क्राइम पेट्रोल देखना फिर यार। मैं दिमाग खराब हो रहा था सच में, मैं झूठ नहीं बोल रहा आपको। मेरे सपने में अनूप सोनी आता था, मैं कहा ये कैसी लाइफ जी रहा हूँ मैं, फिर सपने में अनूप सोनी आ रहा है। नहीं बंदा बुरा नहीं है पर सपने में आया लाइक भी नहीं है ना बंदा। मैं पार्टी में आ रहा हूँ, लोग कह रहे हैं बाय, मैं कहा सतर्क रहें सुरक्षित रहेंगे। खैर उसमें दिखाया कि उसका बाप सुबह सुबह टाइम था, उसका बाप सो रहा था और एसी चल रहा है, धूप आ रही है, चद्दर लेकर उसको देख के मुझे नींद आ रही थी सच में, बहुत मजे में सो रहा था, आराम से सो रहा है। ये आई अपने सोते हुए बाप के ऊपर आके कूद गई, कहती उठो पापा, उठो क्या करे पापा, सुबह हो गई, कितना सोओगे। और इसके पापा क्या बोल रहे हैं, ओहो शैतान आ गई। बहुत क्लियरली नाटकीय रूपांतर है, क्योंकि अगर मेरा बाप सुबह वैसे सो रहा हो और मैं जाके उन पे कूद जाऊं तब होगा असली क्राइम पेट्रोल छोरो। मेरा बाप मुझे शैतान नहीं बोलने वाला, वो जो बोलेंगे बाद में उन्हीं को शर्म आएगी। पर डाम बनाने का पॉइंट पता क्या है कि देखो यार मर्डर हुआ है एक, एपिसोड बनाने हैं दो, तो ये ना सस्पेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि आपको गेस करना है क्रिमिनल कौन होगा, क्या पता बाप ही निकले। और जिस तरह उठाया था बाप ही निकलना चाहिए था। और मैंने ना इसलिए देखना बंद किया क्राइम पेट्रोल क्योंकि मेरे लिए पर्सनली सस्पेंस खत्म हो गया था, मुझे पहले पता चलता था कि क्रिमिनल कौन है क्योंकि वही 15-20 एक्टर हैं इनके पास, ठीक है, उन्हीं में एक गंदी शक्ल वाला पकड़ रखा है, हर बार वो रेपिस्ट ही बनता है। मैंने कहा इस आदमी की सोशल लाइफ क्या रह गई, अब इसकी बीवी को आगे पड़ोसन छिड़ जाएगी, आपका पति बस रेपिस्ट के रोल करता है, क्या चक्कर है। नहीं बहन जी देखो वो तो एक्टिंग होती, इतनी एक्टिंग नहीं होती बहन जी। हाँ बच्चों दूर रखो उसको आप, बस चलो बेटा बेटा ये गंदे अंकल नमस्ते नहीं करनी। एक और इतना एक्चुअली आई एम डिसेबल्ड, आई एम कलर ब्लाइंड एंड ये जो सिंपथी नहीं है ना आपकी आंखों में यही प्रॉब्लम है इसकी। किसी की सिंपथी नहीं मिलती इस डिसेबिलिटी में सच में। और मुझे 16 साल की उम्र तक पता ही नहीं था मैं डिसेबल्ड हूँ, यहीं से आप एक डिसेबिलिटी की औकात देख लो कि आपको पता ही नहीं है कि आप डिसेबल्ड हैं, कोई और डिसेबिलिटी नहीं है ऐसी। कोई लंगड़ा आदमी 17 साल का होकर बोलता मैं लंगड़ा हूँ क्या, तभी भाग नहीं पा रहा था, इतनी रेसें लगाई जो सारी हार गया। और मैं मजाक उड़ा सकता हूँ लंगड़ों का क्योंकि डिसेबल डिसेबल उड़ा सकते हैं। तुम मत बाहर जाके शुरू हो जाना लंगड़े लंगड़े, ठीक है। क्यों बोल रहा था मैं अलग, मेरा स्पेशल केस। तो इसका टेस्ट होता है इस डिसेबिलिटी का, बहुत सिंपल टेस्ट है, घर में ले सकते हैं। बाकी डिसेबिलिटी का कोई टेस्ट भी नहीं है, पता है ना लंगड़े हैं तो है, टेस्ट के लेना, बाकी देखो गिर जाओगे, ठीक है। सिर्फ मैं कर सकता हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, इनफैक्ट तुम्हारा हंसना भी गलती है। पंचिंग डाउन कहते हैं, तुम्हें पता है ना पंचिंग डाउन क्या होती है, किसी को पता है, मैं तुम्हें कॉमेडी का रूल समझाया तो मैं अभी समझा दूँ बड़े होके ताकि कॉलेज, ठीक है। तुम्हें पंच डाउन नहीं करना होता, पंच अप करना होता है। इसका मतलब तुम उसका मजाक ना आ सकते जो जो
कुछ नहीं कर सकता. एज इन तुम अंबानी का मजाक उड़ा सकते हो क्योंकि बहुत अमीर है, वो हमसे ऊपर है, पर उसकी अमीरियत का मजाक उड़ा सकते हैं, उसके स्टटर का नहीं, क्योंकि वो बेचारा उसका क्या ही करे. पर आई थिंक अंबानी का उसका भी उड़ा दो, कुछ रहेगा कुछ तक बात पहुंचेगी नहीं. ठीक है, पंच डाउन नहीं करना तुम्हें, ये नहीं कि गरीब ये अपाहिज, मेरा तुम मत उड़ाना देखो तुम. ठीक है, तो इसीलिए उनका, पर तुम मत करना. ठीक है, कल को तुम्हें लगा कि हम शेख के शो से आए थे, कहेंगे ये उपमन्यु की ऑडियंस पहचे चूती है, ये इस समय तुम्हारा नाम खराब होगा, मेरा कुछ नहीं है, मैं तो बोल दूंगा बाजी लो, पता नहीं किस बात पे हंस रहे थे, मैं तो डिसेबल्ड हूँ इसलिए. तो वो उसका टेस्ट होता है, और टेस्ट ये उसका बहुत सिंपल है, बहुत सारे कलर्स होते हैं, उनमें एक नंबर छुपा होता है, तो जो एबल्ड लोग हैं आप जैसे वो नंबर देख लेते हैं, मुझे नहीं दिखता. टेंथ की बायोलॉजी बुक में था एक, जब मुझे थोड़ा शक हुआ, क्योंकि सारे बच्चे कह रहे हैं हाँ 26 है, 26 था, 26 था. इतना सिंपल क्वेश्चन, काश यही बोर्ड में आ जाए 26. मैंने कहा यार मुझे तो नहीं दिख रहा. मैंने कहा कोई बात नहीं, आंसर तो पता ही है, वही जरूरी है. ठीक है, तो मैं उस टाइम जो भी है, उसके बाद 12th में जो वो एक नंबर था ना, मैम के पूरी किताब थी उसमें नंबर ही नंबर है, पूरी क्लास को खड़ा कर दी, बताना शुरू करो. मैं कहा आ गया वही टेस्ट. तो मेरा अगला बच्चा गया, और मैम ऐसे पूरी किताब पकड़ के बैठी थी, और साथ में ऐसे नाखून करती थी कि हाँ ये वो, चलो बताओ नंबर सारे, और सारे बच्चे आके टेस्ट बताए, हाँ देखा ना मैम, हाँ 10, 20, 30, ये क्या पूछ दिया, टाइम वेस्ट कर दिया फालतू बुला के. तो मेरे आगे वाला बच्चा गया, मैंने कहा यार ये वही टेस्ट आके काम करता हूँ, मेरे अगला बच्चा तो कोई आंसर देगा ही ना, उसी के आंसर सुन के हम बोल देंगे. मैं अगला बच्चा गया, उसने कहा हाँ मैम 9, 11, 23, वेरी गुड अभिषेक आओ जल्दी करो. मैं कहा 9, 11, 23. कहीं नंबर एक दिखाया तुमने, 3 बोल दी. पेज पलटने की वेट करनी चाहिए थी. रैंडम पेज खोला मैं, करें एक मिनट ये बताओ कौन. मैं कहा कि 26. Okay, wrong. मैं कहा सॉरी मैम, प्लीज मैम सॉरी. क्या सॉरी की बात नहीं, तुम डिसेबल्ड हो. एक गलत आंसर की इतनी बड़ी सजा. मैं कहा मैं डिसेबल्ड हूँ, कह रही हाँ. मैं कहा पक्का, कह रही पक्का. मैं कोटा में जाए, कह रही क्या, मैं कुछ नहीं छोड़ो उन बातों को छोड़ो. मैंने ली थी कोटा, लेने की कोशिश की थी मैंने, यार मैं इंजीनियरिंग में था ना, और सेकंड ईयर के बाद कुछ हो नहीं रहता. मेरे ग्रेड्स कम ही होते जा रहे हैं विद टाइम ना, मैं सेकंड में पीक किया था मैंने सेकंड क्लास में, उसके बाद से तुम्हें क्या लगा सेकंड ईयर में क्लास क्लास तब तुम देखते कहते लड़का एस्ट्रोनॉट डॉक्टर लॉयर तीनों बन जाएगा. उसके बाद से कमेडियन थी, समझ रहे हो आप कितना इतना नीचे तक पहुंच गए कि सबसे. तो मैंने कहा कि तुमने कहा तो मैंने मुझे कोटा चाहिए था सेकंड ईयर के बाद. मैंने कहा यार मेरे मार्क्स कम होते जा रहे हैं, एक डिसेबिलिटी होती थी अपनी एक, मैं उसका यूज़ करते हैं यार. तो मैं गया कॉलेज के उसमें पूछने के लिए, मैं कहा वो अप्लाई करना था डिसेबिलिटी के लिए, वो कह रहे क्यों किसको. मैं कहा मुझे, कह रहे भाग जाओ घर जाओ जल्दी जल्दी घर जाओ, किसी को बताएंगे नहीं हम ये बात. चलो मैं अपने घर में डाल. अब बाद में मैंने सोचा एक्चुअली जब मैं रास्ते में आ रहा था, मैं ऑब्वियसली क्या उसका क्या इसका टेस्ट क्या है कि आपको क्या दिख रहा है, किसको पता आपको क्या दिखता है. Nobody can find out. ये कौन सा नंबर है, नंबर नहीं बंदर दिख रहा है इसमें, ये कौन सी बीमारी हो गई. तो मैं दोस्त मुझे कह रहा था तू कलर में ना आंखें मैं डोनेट करती हूँ, क्योंकि जिसको मिलेंगी वो अंधे से तो अपग्रेड ही है. पूछ जाके किसी अंधे से आंखें मिल जाएंगी, 2-3 कलर ठीक नहीं दिखेंगे, चलेगा क्या आपको ना. सारा काला ही ठीक है. ये पुलिस की तारीफ के लिए शो बनाया है, क्योंकि आपने देखा होगा क्राइम पेट्रोल में पुलिस सारे केस सॉल्व कर लेती है सारे. और पता है इनको एक तरीका आता है, इनको एक ही तरीका है इनके पास, फोन रिकॉर्ड्स निकालना. ये बस फोन रिकॉर्ड्स निकाल देते हैं पुलिस वाले. जब से इनको पता लगा ना कि फोन से कैसे ट्रेस करना है, स्टेशन से बाहर जाना ही छोड़ दिया है. इंडोर जॉब है वो.
सारे केस ऐसे सॉल्व करते हैं, इंस्पेक्टर साहब इसका मर्डर हुआ क्या करना है, बहुत सिंपल है, जिसका मर्डर हुआ पर उसके सारे दोस्तों को बुलाओ, सारे दोस्तों खड़ा करो यहाँ लाइन में, अब सबके फोन रिकॉर्ड निकालो, निकाल लिए दिखाओ जरा इधर हमको। हाँ तो ये मर्डर से 15 मिनट पहले इसको लास्ट कॉल तुम्हारे नंबर से आई थी, तुम वो मर्डर करा, मैं ही हूँ। टफ डे एट वर्क, क्यों बताइए क्राइम पेट्रोल ऐसे डायरेक्टली नहीं दिखाते कि इस लड़की का मर्डर हुआ है, ये उसका नाटकीय रूपांतर बनाते हैं और उसमें अपनी कमेंट्री देते हैं, ऐसे दिखाएंगे मर्डर वाले दिन ऐसे सुबह सुबह लड़की उठी हाय पापा, उसे क्या पता था कि उसका आखिरी हाय पापा होगा, कोई मर गया तो मजे ले रहे उसके, उसे क्या पता था मतलब, और इसको पूरा डे दिखा देते हैं, पूरा डे की लड़की सुबह उठी हाय पापा, पापा को पप्पी, हाय मम्मी, मम्मी को पप्पी, हाय कुत्ते, कुत्ते को पप्पी, मैं इतना कौन खुश है अपने घर पे, मेरे घर में तो ऐसी सुबह नहीं होती। सच में मैं उसको देख के सोचा था, मैं कहा हमारी फैमिली डिप्रेस तो नहीं कहीं, हमें तो प्यार ही नहीं इतना यार सुबह उठ के, हमारी नहीं पप्पियां झप्पियां चल रही, लड़ाइयां ही चल रही उल्टा, ये कोई टाइम है उठने का, आप चुप रहो, तुम चुप रहो, मैं ठीक है। मैं कुछ अच्छा देखते हैं जिससे कुछ इंटेलिजेंस बढ़े, तो मैंने मतलब कुछ फायदा तो होना एजुकेशन, तो मैंने कॉस्मोस देना शुरू कर दिया। कॉस्मोस पता है आपको, कॉस्मोस यूनिवर्स की डॉक्यूमेंट्री है, यूनिवर्स पता है ना, बहुत सही होता है, मुझे बहुत पसंद है यूनिवर्स, और डॉक्यूमेंट्री बहुत सही थी, बस में कुछ चीज मुझे अजीब लगी, वो ना बोल रहे थे कि हम अर्थ पे हैं, वो अजीब नहीं है, वो तो शुक्र है, बाकी प्लैनेट्स तो बहुत ही फुद, छोड़ो बाकी प्लैनेट्स की बिचिंग करने नहीं आए हम यहाँ पे, ठीक है, कहते अर्थ, हम अर्थ पे हैं, अर्थ एक सोलर सिस्टम का पार्ट है, तो कहते हैं ऐसे बिलियन सोलर सिस्टम मिलाओगे आप, बिलियन तो जाके एक गैलेक्सी बनेगी, ऐसे बिलियन गैलेक्सी मिला दो, एक लोकल ग्रुप बनता है उससे, फिर बिलियन लोकल ग्रुप मिला दो, अब है जो एक और बिलियन, और जब ऐसे 5-6 बिलियन लगा लोगे तब जाके हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स बनता है, कि भाई अभी इतना यूनिवर्स है ढूंढने को और पक्का है, पर अभी तक तो इतना ही पता है कि इतना ढूंढना है। मैं कहा जब इतना है अभी ढूंढने को तो रहन दो फिर, तुम बस सिलेबस बढ़ा रहे हो बच्चों का, और ढूंढने का इतना शौक है, कोई ढंग की चीज ढूंढ लो, मेरी सॉक्स नहीं मिल रही,